आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 10 सेकंड में हम अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में फोकस करके उस बढ़िया व्यू को देख सकें। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछ लिया कि सर आप इतनी जल्दी माइक्रोस्कोप कैसे फोकस कर लेते हो। नेक्स्ट टाइम जब मैंने माइक्रोस्कोप फोकस की तो वो सवाल मेरे माइंड में था, और जैसे ही मैं माइक्रोस्कोप फोकस कर रहा था तो मैंने एनालाइज किया कि मैंने कुछ स्टेप एक पर्टिकुलर सीरियल ऑर्डर में फॉलो किए। जब नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से माइक्रोस्कोप फोकस की तो मैंने फिर से एनालाइज किया कि मैं वही सेम स्टेप सेम सीरियल ऑर्डर में फॉलो कर रहा था। तो उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कोई भी स्टूडेंट अगर उन सेम स्टेप्स को सेम सीरियल ऑर्डर में फॉलो करे तो वो भी पहली बार में ही 10 सेकंड में माइक्रोस्कोप एडजस्ट कर सकता है और अपनी स्लाइड को बढ़िया ढंग से देख सकता है। पहला स्टेप, हम अपनी माइक्रोस्कोप को पूरे रूम में ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर सामने से लाइट आ रही हो, जैसे विंडोज हो गई या डोर हो गया। तो ये माइक्रोस्कोप मैंने अपनी विंडोज के सामने रख दी। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा आईपीस 10x का हो और हमारा ऑब्जेक्टिव भी 10x का हो, तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव 10x का कर दिया। थर्ड स्टेप में हम अपने रिफ्लेक्टर को इस तरह से एडजस्ट करेंगे यहां से कि हमें यहां से लाइट दिखाई दे। फोर्थ स्टेप में हम क्लिप्स को साइड पे कर देंगे और अपनी स्लाइड को देखेंगे कि स्पेसिमेन किस एरिया में लगा है और उस पोर्शन को ऑब्जेक्टिव के नीचे रख देंगे। फिफ्थ स्टेप में हम देखेंगे कि हमारी स्लाइड में स्पेसिमेन का जो कलर था वो कलर हमें माइक्रोस्कोप में कब दिखाई देता है। तो ये मैं माइक्रोस्कोप नीचे कर रहा हूं और मैं देख पा रहा हूं कि इसमें कलर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं ऑब्जेक्टिव को लगभग 3 से 5 mm स्लाइड के ऊपर रखूंगा और अपनी स्लाइड को इस तरह से, मैं मूवमेंट आपको दिखा देता हूं, जहां पर मैंने रखी है हल्का हल्का सा इस तरह से सर्कुलर ऑर्डर में घुमा के देखूंगा कि मुझे कलर स्लाइड का कहां पे देखना शुरू होता है। ये मुझे कलर दिखाई देना शुरू हो गया, तो यहां पे मैंने अपनी स्लाइड रख दी और अब मैं क्लिप्स इस स्लाइड के ऊपर लगा दूंगा। क्लिप लगाते समय ध्यान देना है कि हमारी स्लाइड हिले ना। इस स्टेप के पीछे क्यों लॉजिक है ये मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 से 60% स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो इसी स्टेप में करते हैं। अगर आपने ये स्टेप इसी ऑर्डर में फॉलो किया तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे और आपसे स्लाइड फोकस होगी ही होगी। इस स्टेप के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि मैं स्लाइड बीच में लगा चुका हूं तो मैं आपको स्लाइड दिखा के उस लॉजिक को समझाऊंगा, वो मैं वीडियो के लास्ट में करूंगा। नेक्स्ट स्टेप, हम कोर्स एडजस्टमेंट की हेल्प से स्लाइड को फोकस करेंगे। व्यू दिखना शुरू हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि 45x पे किस तरह से हम अपनी इमेज को देख सकते हैं। तो हमने 45x का ऑब्जेक्टिव अब अपनी स्लाइड के ऊपर कर देना है, तो ये मैंने 45x का ऑब्जेक्टिव अपने स्लाइड के ऊपर कर दिया। एक जनरल रूल आप समझ लीजिए, जब भी हम 45x का ऑब्जेक्टिव करेंगे तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है, तो हमारी स्लाइड एकदम से फोकस हो जाएगी। कभी भी मैंने 10x के बाद जब 45 लगाया तो मुझे अपने इस आईपीस को ऊपर नहीं लेके जाना पड़ा, मैं हमेशा इसे नीचे की तरफ लेकर आया हूं। तो मैं इसे हल्का सा नीचे लाऊंगा तो स्लाइड एकदम से फोकस हो जाएगी। हो गई। पिक्चर को और क्लियर करने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। मेरी पिक्चर क्लियर थी इसलिए मैंने फाइन एडजस्टमेंट की हेल्प नहीं ली। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने स्लाइड को पहले स्टेज पे रखकर इस तरह से क्यों हिलाया। हमारे पास ये दो अलग अलग तरह के स्लाइड्स हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक इस स्लाइड पे मैं पास करके दिखाता हूँ। इस स्लाइड पे जो स्पेसिमन का एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, आप ग्रीन कलर में देख पा रहे होंगे, जबकि इस स्लाइड में जो स्पेसिमन का एरिया है वो बिल्कुल एक फाइन डॉट सा है और डॉट से भी छोटा है। इसका मतलब जब हम ये वाली स्लाइड अपनी स्टेज पे रखेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव के नीचे होगी, लेकिन जब हम ये वाली स्लाइड अपने स्टेज पे रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव के थोड़ा सा आगे पीछे हो गई होगी, और अगर ये थोड़ी सी भी आगे पीछे होगी तो हमें स्लाइड नहीं दिखेगी।
और यही रीजन था कुछ स्टूडेंट्स ये वाली स्लाइड तो एक मिनट के अंदर ही एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जब ये वाली स्लाइड आ जाती तो वो फोकस नहीं कर पाते थे। इसलिए रूल ऑफ थम ये है कि 3 से 5 mm के बीच में अगर आप अपनी ऑब्जेक्टिव 10x के ऑब्जेक्टिव को रखोगे और स्लाइड को इस तरह से करके देखोगे तो आपको कलर दिखेगा, स्लाइड का व्यू नहीं दिखेगा। जैसे ये स्लाइड ग्रीन कलर की है तो जहाँ पे आपको कलर दिखेगा आपने स्लाइड वहीं पे रोककर क्लिप लगा देने हैं। इसका मतलब आपका स्पेसिमन ऑब्जेक्टिव के नीचे आ गया। और एक और सवाल कि मैंने स्टार्टिंग में 10x का ऑब्जेक्टिव ही क्यों लिया, क्योंकि 10x ऑब्जेक्टिव का फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि जो हमारी पिक्चर है वो जूम कम होती है, 45x पे पिक्चर जूम हो जाती है। क्योंकि 10x पे जूम कम है इसलिए उसे एडजस्ट करना थोड़ा सा इजी है। मतलब अगर हमारा स्पेसिमन वाला एरिया थोड़ा सा आगे पीछे भी होगा तो भी हमें दिख जाएगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में 10x पे फोकस किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपसे कहा था कि जब आप ऑब्जेक्टिव के नीचे स्लाइड रखेंगे तो स्लाइड को इस तरह से मूव करेंगे, लेकिन ये मूवमेंट आपको स्लो मोशन में करनी है। अगर आप इस स्टेप को स्लो मोशन में नहीं कर पा रहे हो तो मेरे पास एक ट्रिक भी है। मान लेते हैं आपने इस स्लाइड को फोकस करना है, मैं ये स्लाइड आपके पास लाकर दिखाता हूँ। इस स्लाइड में स्पेसिमन का जो एरिया है वो बिल्कुल एक लाइन है, इसलिए इस स्लाइड को फिक्स करके व्यू को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दूसरी स्लाइड जिसमें स्पेसिमन का एरिया बड़ा हो। तो इसे फिक्स करने के लिए हम एक दूसरी स्लाइड की हेल्प लेंगे जिस स्लाइड में स्पेसिमन का एरिया ज़्यादा है। मैं आपको पास ला के दिखा रहा हूँ, इसमें स्पेसिमन का एरिया बड़ा है। मैं पहले इस स्लाइड को इस माइक्रोस्कोप में फिक्स करूँगा उसी मेथड से जो मैंने आपको बताया, और फिर इस स्लाइड को मैं यहां से निकाल लूंगा और इसकी जगह पे ये वाली स्लाइड लगा दूंगा। एक स्लाइड फिक्स करने के बाद अगर उस स्लाइड को निकाल कर मैं दूसरी स्लाइड रखता हूं तो वो स्लाइड भी ऑटोमेटिकली फिक्स होगी। सिर्फ उस स्लाइड के ये स्पेसिमन वाला एरिया हमारे ऑब्जेक्टिव के नीचे होना चाहिए। उसके लिए इस स्लाइड को ऑब्जेक्टिव के नीचे रखकर आप बिल्कुल हल्का सा आगे और पीछे मूव करेंगे तो आपका स्पेसिमन वाला एरिया जैसे ही ऑब्जेक्टिव के नीचे आएगा यहां से आपको पूरा क्लियर व्यू दिखेगा स्लाइड का और आपकी स्लाइड फोकस होगी। अगर आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप भी 10 सेकंड्स के अंदर माइक्रोस्कोप को फोकस कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।